हाय एवरीवन, काफ़ी दिन बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इसके पहले बहुत सारा ब्लॉग बचा है, मुझे एडिट करना है, तो वो सब छोड़ो। राधे राधे गाइस। गाइस, हम लोग वृंदावन में हैं पिछले एक दिन से। हम लोग वृंदावन में हैं पिछले एक दिन से, लेकिन आज फाइनली एक गाइड बुक किए हैं, तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो आपको मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, कल मैं सबवे का एक चीज़ खाई थी, कुछ था सबवे का बर्गर, सबवे का जो आता नहीं स्टफिंग ग्रीन वेजीज और टिक्की डाल के, वो खाई थी, जो भी था वो खाई थी। बाप रे, इतना पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, फिर मैं अमेरिकन आइस वाटर जीरो कैलोरी पी थी, मतलब ब्लैक कॉफ़ी था, नाम ऐसा रख के थे, हमें पता ही नहीं था, ब्लैक कॉफ़ी था, उसमें आइस डाले थे, बस हो गया। और हम दो बॉटल लिए थे गाइस, ये ब्लू पाइन, अमीर नहीं है लेकिन शौक पूरा कर रहे हैं, 130 रुपीज का है। और गाइस, हम ये कुकीज लिए थे, जो डाइट में कुकीज खाया जाता है, वो 4-5 लिए थे, बट इसमें लास्ट बचा है। रात को बहुत भूख लगी थी, रात को खाना ऑर्डर किए थे, पालक पनीर और रोटी। अरे बाप रे, पूछो मत, जब भी हम होटल में आते हैं खाना खाते हैं तब भी पूरा वो हो जाता है। तो अभी हम सुबह उठे, नहा लिए, एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, गेट रेडी विद मी, ऐसा कुछ है छोटा सा, तो आप लोग देखिएगा। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ये ड्रेस पहने थे हम, सोचे थे यार हम स्कर्ट लॉन्ग पहनेंगे, जुत्ती पहनेंगे, बड़ा बड़ा इयर रिंग पहनेंगे, अच्छे से यहाँ वाइट वाइट सारा लगाएंगे, और एक पतला सा टॉप पहनेंगे, दुपट्टा पहनेंगे, लेकिन हमें नहीं पहनना। गाइस, सारा पैसा मेरा खर्चा हो गया है, अब मैं गरीब हो गई हूँ, और वो तो मैं पहले से ही थी। गाइस, चलते हैं मंदिर और आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, एक बात बताऊं, आजकल मैं उस पे इंस्टा पे बहुत एक्टिव हूँ, बहुत नहीं एक्टिव हूँ, वीडियोस वगैरह डालती हूँ, तो आप लोग देखें या नहीं प्लीज बताओ। और लास्ट अपडेट गाइस, कूपर को ना एक पेट केयर के पास छोड़ के आई हूँ, उसका जो रेट है बाप रे, सुन के ना होश उड़ जाते हैं। उतने में तो एक अच्छा खासा लेवाइस का जींस आ सकता है, एक दिन का जितना कॉस्ट है उनका, बट आना था। हम एक गाइड बुक किए हैं, बस वो घर के पास, मतलब घर कह रहे हैं सॉरी, होटल के पास पहुंच गया होगा। और ये जो होटल लिए हैं ना, आपको थोड़ा सा क्विक सा दिखा देते हैं गाइस। ये इसका ऐसा कुछ है, ये कबर्ड है, और यहाँ पे ऐसे था, टीवी है तो कोई चैनल पकड़ता ही नहीं है, और यहाँ पे ये है, ये मतलब यू नो, और यहाँ पे एक चेयर था जिस पे अभी बैठे थे, एक स्टूल था, फ़ोन भी करने के लिए था, टॉवल भी मिला था, और गाइस ये मैं हूँ। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे हाँ। और मैं अपना चार्जर ली हूँ गाइस, मंदिर पहुँच के, ठीक है। हमें वहाँ पे जाना है ना, उधर से अंदर। अच्छा गाइस, यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रहा है, और एक लोग बुक कर रहे थे, जो कि हम लोग अपना कार लेके आए थे, ये बुक कर रहे थे गाइड, टूर गाइड करने वाले, वो कह रहा है हम नहीं जाएंगे। हम बोले क्यों, फिर कह रहा नहीं हम तो गाड़ी बुक किए थे, गाड़ी था, गाड़ी लेकर नहीं आए, गाड़ी बुक कर लिया। वाओ, और हमसे ज़्यादा
इडियट लड़की ना कोई होगा ही नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं और हम इतना हील पहन गए हैं, रुको दिखाते हैं। ये देखो गाइस, चला नहीं जा रहा है। हम सोचे थे अपना पोशाक सोच के रखे थे, जब कभी आएंगे हम वो पहन के आएंगे, लेकिन नहीं, चप्पल ही पहन लेते हैं हम। गाइज ये यमुना नदी है, बनाना लेके नहीं आए। द्वारकाधीश मंदिर जाना है, नहीं वो आप एक्स्ट्रा रख के वो डाल दीजिए ना। हम लोग आपके पास आए, रख दीजिए माला भी हो जाएगी। क्या मिला हमको गाइस? अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, ठीक है, और बोट पे सवारी करके मज़ा आया। अभी हम जा रहे हैं सेकंड प्लेस पे, जो है कृष्ण जी का जन्म स्थान, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और हमें ये अपडेट मिला है कि वो फ़ोन लॉकअप में जमा कर लेते हैं, तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। और गाइस जब हम वहाँ पे थे तो बाद में बताएंगे, एम्बैरेस हो रही हूँ लोगों से। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग लगा के अपना सामान बेच रहे हैं गाइस, और यहाँ पे पूरा पीछे भी था, और लोग यहाँ पे ठंडा भी पिला रहे हैं, पानी यहाँ पे जमा हो रहा है गाइस। यहाँ पे इतनी गर्मी है पूछो मत, और हम लोग उनके जन्म स्थान पर गए थे तो यार मतलब मज़ा आ गया। एक सुकून है, एक काम है, एक कुछ तो है वृंदावन में। पैर जल गया है, रेड हो गया है गाइस। गाइस इतनी गर्मी है, एसी काम ही नहीं कर रहा, ये देखो पसीना, और मेरा पैर पूरा लाल हो गया है। मज़ा बहुत आया, सुकून है सुकून।
कहने के बाद हुई। मैम लग रहा था गाइस चमत्कार हो गया, मेरे चेहरे में दिख रहा होगा। ये गाइस चमत्कार आपको दिखा रहे हैं। या गाइस चमत्कार हो गया, वाओ। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जानते हो आप गाइस? यार सच में जब मेरा पैर जल रहा था तब मैं भगवान से बोल रही थी थोड़ा एक बार पानी मार देना ऊपर से गाड़ी। पानी ऊपर वाला मार रहा, हमारा सर हमको निकाल देगा तुरंत तुरंत निकाल देगा गाड़ी ऊपर वाला। सर गाइस जब हम दर्शन कर रहे थे तो भगवान से बोले थे, भगवान जी प्लीज बारिश करा दो, प्लीज बारिश करा दो। भगवान सच में बारिश करा दी है, मैं जानती हूँ, मैं ही बोली हूँ तभी हुआ है और कुछ नहीं। मेरा पास सही है, सही है, सही है, मैं जानती हूँ। और मज़ा आ गया दर्शन करके, और ज़्यादा हम ब्लॉग कर नहीं पाए दोस्तों, आई एम सो सॉरी बाबू। क्योंकि यार बहुत जगह फ़ोन अलाउ नहीं था, और कहीं कई जगह फ़ोन अलाउ था तो ऐसा लग रहा था कि क्या यार, मतलब चीप काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा था पता नहीं क्यों। और तो फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं की ज़्यादा। अगर मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में रहती गई तो फिर मैं दर्शन कर ही नहीं पाती, मेरे तन मन धन को सुकून नहीं मिलता। गाइस पूरा तो नहीं घूमे हैं, वैसे कहा जाता है वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं, 5,500 मंदिर मथुरा वृंदावन उतना तो हम घूमे नहीं है गाइस। 5,000 घूमे हैं, खाली 500 छोड़े हैं। गाइस मजाक कर रहे हैं, उतना तो हम घूम नहीं पाएंगे, उतना तो कोई नहीं घूमा होगा यार। जिनका घर होगा यहाँ पे क्या वो लोग इतना घूमे होंगे। यार धूप हो गया से सियार और शिरनी की शादी हो रही है। यार गाइस जब हम लोग छोटे थे ना तब ऐसे ही होता था, तो सब लोग कहते थे शेर सियार का शादी हो रहा है जयकाल। और गाइस बहुत मज़ा आया, तन मन धन को शांति मिल गया, हम बहुत प्रसन्न हुए, आप ज़रूर आइएगा। और कौन सा ट्रैवल था यार? मथुरा टूर एंड ट्रैवल। हाँ मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ गाइस, जो हम टूर एंड ट्रैवल से वो बुक किए थे उनका कैब, और वो हमसे पैसा तो पूरा ले लिया और हमें छोड़ दिए। अभी टाइम हो रहा है कितना, कम ही हो रहा है, 3:30 बज रहा है, लेकिन 3:30 क्या, मेरा दर्शन 12:30 बजे ही हो गया था गाइस, तब से वो पता नहीं क्या ही कर रहा था, कहीं लेके भी नहीं गया, मंदिर भी बंद था, और पता नहीं क्या बोल रहा था कि हमें कहीं जाना है, पता नहीं क्या, सारा पैसा भी ले लिया, चला भी गया मथुरा टूर एंड ट्रैवल्स। चूना लगा दिया भाई मुझे। और आपको हम क्या बताएं, राधे राधे नींद पाखरो, कार का जो इंजन के पास कवर लगता है वो फट गया, और फिर हम लोग एक सर्विस सेंटर ढूंढे हैं, तब आए हैं, सही करवा रहे हैं, एक एक चीज होते जा रहा है। गए थे हम और राधा कुंड, जहाँ पे राधा जी का सरोवर बना हुआ था, मतलब कुंड था, पानी था उसमें, मतलब नहाने के लिए, और एक कृष्ण जी का था। तो वहाँ के बाबा आए थे, बता रहे थे कि राधा जी सीधी थी इसीलिए इनका कुंड सीधा है, कृष्ण बड़े नटखट थे, टेढ़े थे, इसीलिए उनका कुंड टेढ़ा था। एक भैया थे, बोले हाथ धुल लो, हाथ धुल लो, हमको पता ही नहीं था,
किस लिए कह रहे हैं, उनके कुंड में मछली होता है ना, तो उनको आटा डाला जाता है। तो जैसे मैं हाथ धुली, वो हमारे हाथ में आटे का छोटा छोटा बना के वो रखे होते हैं और दो फूल रखे होते हैं, तुरंत पकड़ा लिए। मैं सोची हाथ क्यों धुला रहे हैं यार।